आज मैं आपको अपने घर का मंदिर दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मंदिर से शुरुआत करते हैं और मंदिर की सफाई करते हैं। ऐसे डेकोरेशंस कर रखी है और आप ये बेल्स देख रहे हैं बड़ी वाली, ये हम सरोजनी मार्केट से लाए थे। तो इससे पहले हमने पर्दा लगाया था, वो ज्यादा अच्छा नहीं लगा तो हमने इस टाइप से डेकोरेशन कर दी। और अगर आप इस टाइप की डेकोरेशन परचेज करना चाहते हैं तो आपको इजीली अमेजोन पे मिल जाएगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो अब मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं ये मूर्ति दिखाती हूँ, तो ये है लाइट वाली, मैं इसको आपको चला कर दिखाती हूँ। ये वाली लाइट हमें दिवाली पे मिली थी, किसी ने हमें गिफ्ट की थी, तो बहुत प्यारी लगती है ये। तो ये वाली मूर्ति हमें दिवाली पे मिली थी, किसी ने गिफ्ट की थी। और जो ये वाली मूर्ति है वो भी हमें दिवाली पे मिली थी, ये हम 2 साल पहले हम लेके आए थे दिवाली पे। ये वाली जो कान्हा जी की मूर्ति है ये भी हमें बर्थडे पे गिफ्ट मिली थी विहान के। और अब बाकी ये सारी हम मार्केट से लेके आए थे और ये वाले कान्हा जी भी हम मार्केट से लेके आए थे। तो ये लड्डू गोपाल जी हमारे लास्ट मंथ ही घर पर आए हैं, ये हमें भाभी की मासी ने दिए थे। तो ये ऊपर शेल्फ है और हमने सेंटर में गणेश जी रखे हैं ताकि जब भी कोई अंदर आए तो सीधा इन पे नज़र जाए। और ये भी हमें गिफ्ट मिले थे। और ये है चरण चिन्ह जो कि हम दिवाली पे मार्केट से लेके आए थे, इसमें गंगा जल रखा हुआ है। और ये है एसेंशियल ऑयल प्रेगनेंस के लिए, तो ये है ऑयल डिफ्यूज़र, ये हमने अमेजोन से मंगवाया था और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये अलग से हमने परचेज किया था, ये भी आपको मिल जाएगा अमेजोन पे। और इसमें ये फ्यू ड्रॉप्स डाल के आप इसे जलाओगे तो अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। तो यहाँ पर 2 ड्रॉर्स है, तो यहाँ पर सारा मंदिर का सामान रखा हुआ है, भगवान जी के वस्त्र हैं और मंदिर का सारा सामान इन्हीं में रखा हुआ है। तो आप ये पीछे ओम देख रहे होंगे, ये भैया ने स्पेशली बनवाया था ताकि घर में थोड़ी पॉजिटिविटी रहे। तो ये था आज का व्लॉग। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और साथ ही अगर आप कान्हा जी का बर्थडे व्लॉग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके वो भी एंजॉय कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।